अरे देखिए, वो किनके करीबी हैं वो बहुत मायने नहीं रखता है। जिस प्रकार के आरोप होंगे उसके अनुसार इन चीजों से बचना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो विभाग है या जो IGMS का जो प्रशासनिक निकाय है, उस निश्चित तौर पर इन सारी चीजों को देखेंगे। नमस्कार, मैं आराम सदन जगह देख रहे हैं 1News 24। बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम वर्तमान में भाजपा कोटे से विधायक है तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि किसके कौन किसके करीबी हैं ये किसी को फर्क नहीं पड़ता, कानून अपना काम कर रही है। आज सवेरे ईडी का दो जगह छापे पड़े थे, पटना में विधायक के खरीद फरोख्त के मामले में, और उन्होंने IGMS में जो रिवॉल्वर लहराया गया था उस संदर्भ में क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आइए बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को सुनते हैं। अरे देखिए, वो किनके करीबी हैं वो बहुत मायने नहीं रखता है। जिस प्रकार के आरोप होंगे उसके अनुसार जो संबंधित निदेशालय है, प्रवर्तन निदेशालय है, वो अपना काम करती है, वो अपना काम कर रही है। इसमें कोई राजनीतिक दृष्टि देखने की आवश्यकता नहीं है। IGMS में कल हंगामा किया गया है, परिजनों के द्वारा एक महिला की मृत्यु के बाद रिवॉल्वर नील लहराया गया है, और आज IGMS के डॉक्टर हड़ताल पे है, OPD नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिसने भी अगर कुछ इस प्रकार के गैर कानूनी काम किए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, इन चीजों से बचना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो विभाग है या जो IGMS का जो प्रशासनिक निकाय है, उस निश्चित तौर पर इन सारी चीजों को देखें। लेकिन ये कहा जा रहा है कि RJD की तरफ से यही जंगल राज है, असली जंगल राज ये है, हम लोग को बदनाम किया जा रहा है। नहीं देखिए, 15 वर्षों का इतिहास और कोई एक दिन कोई दुर्भाग्यवश ऐसी घटना हो गई, दोनों का आप तुलना नहीं कर सकते हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल का 15 वर्षों का जो शासन का ट्रैक रहा है, उसको पूरे उस परिदृश्य में देखना पड़ेगा, और पूरा उसका राज्य पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उस शासन का, और उसको सिर्फ इस एक घटना से तुलना करना मुझे लगता है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। सुनते हैं, आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कौन किसके करीबी है ये मायने नहीं रखता है, अगर कोई गलत है और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अपना काम करे उसको काम करने दीजिए, अगर वो कोई गलत है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि IGMS में रिवॉल्वर आपके नेताओं के द्वारा लहराया गया, तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पर ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि IGMS के जो प्रशासनिक विभाग है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि राबड़ी देवी कह रही है कि हम लोगों को बदनाम किया जाता है कि जंगल राज जो स्थिति वर्तमान में है वो राज में है बिहार, यानी साफ तौर पर राबड़ी देवी का आरोप था, तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बिहार में कानून का राज है, बिहार की क्या स्थिति थी 15 साल पहले वो सबको पता है, किस तरीके से बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म किस तरीके के हो रहे थे ये सबको पता है, वो ना बताए तो बेहतर है। यानी बिहार में साफ तौर पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, उनका कहना था कि बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं है, जंगल राज जो था वो खत्म हो चुका है, अगर इस तरीके की घटना हो रही है ये दुर्भाग्य है और उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी। बहरहाल, इस खबर में इतना ही, अन्य खबरों के लिए बने रहिए 1News 24 पर। मैं सहयोगी मदन के साथ, मैं सदन जी पटना।